ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल 18 मई 2019 शनिवार का दिन है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, जिसे वैशाखी पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार बुद्ध भगवान का प्रागट्य हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा बड़ी पूर्णिमा होती है और संपूर्ण वैशाख का पुण्य फल यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वैशाख पूर्णिमा के दिन दान पुण्य और श्रेष्ठ कर्म आपको करना चाहिए। साथ ही भगवान बुद्ध का पूजन अर्चन इस दिन किया जाएगा और बुद्ध भगवान का प्रागट्योत्सव मनाया जाएगा। यदि आप वैशाख पूर्णिमा के संदर्भ में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हमने आपके लिए और अधिक वीडियो प्रस्तुत किए हैं, उनको आप जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। साथ ही बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा पर करने वाले अचूक उपाय भी हमने आपको बताए हैं, उनको भी आप जरूर देखिएगा। विशाखा नामक नक्षत्र एवं तुला राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश आपको पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो अदरक खाकर के यात्रा कर सकते हैं। राहुकाल जो कि सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव वृषभ राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, मंगल मिथुन राशि में, बुध मेष राशि में, गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक राशि में, शुक्र मेष राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मेष सिंह कन्या तुला धनु मकर और कुंभ ये 7 राशि वालों को धन प्राप्ति का विशेष संयोग बनने वाला है। कुल मिलाकर के 7 राशियां सबसे ज्यादा लकी रहेगी। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। बहुत दिनों से रुका हुआ काम आज शुरू हो सकता है। छुटपुट परेशानियां समाप्त होने की संभावना है। कामकाज में मन लगने से कारोबार या नौकरी में आप आगे बढ़ सकते हैं। आसपास के कुछ लोग आपके भरोसे रहेंगे। परिवार के साथ आपकी आत्मीयता बढ़ेगी। किसी खास काम को निपटाने में समय की कमी महसूस होगी। आराम करने के मौके आज आपको मिलेंगे। अधिकारियों से भी मदद मिलेगी। विदेश या दूर स्थान से कोई जिम्मेदारी आपको प्राप्त होने वाली है और उपाय के रूप में एक पीला फूल यदि भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आप चढ़ाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। दोस्तों की मदद से आपके जरूरी काम पूरे हो जाएंगे। कुछ खास रिश्तों में मजबूती आएगी। परिवार में किसी के जन्म या विवाह तय होने की सूचना आपको मिलेगी। आज आप कोई अच्छी योजना बनाने में सफल हो जाएंगे। नए लोगों से मुलाकात होगी। परेशानियों के कारण रोजमर्रा के कुछ कामों में बदलाव करना पड़ेगा। साथ ही आज आपकी कोई राज की बात उजागर हो सकती है, सावधान रहे। सेविंग खत्म होने की संभावना है। फालतू खर्चा आपका बढ़ सकता है और उपाय के रूप में पीपल के पेड़ के नीचे यदि आप लाल रंग का कुमकुम चढ़ाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। कोई भी बड़ा काम करने के पहले एक बार अच्छी प्रकार विचार कर ले। बिजनेस में आने वाली परेशानियों से निपटने का प्रयास करें। आज आप कोई खास विचारों में खोए रह सकते हैं। कुछ नज़दीकी लोगों की मदद आपको मिलेगी। नज़दीकी रिश्ते आपके लिए खास रहेंगे। करीबी लोगों के मन में क्या चल रहा है इसका अंदाजा आपको हो जाएगा। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। आपका आकर्षण बढ़ा हुआ रहेगा और उपाय के रूप में सुगंधित इत्र लगा करके यदि आप घर से निकलते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। किसी दोस्त से आपकी मुलाकात कारगर साबित होगी। नौकरी या कारोबार में कोई ऐसी सलाह आपको मिलेगी जिससे आपका समय बदल जाएगा। ज्यादातर मामले आसानी से निपट जाएंगे। किसी बड़े या महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात अच्छे से होगी। सोच समझकर काम आपको करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। पिता से सहयोग आपको प्राप्त होगा और सभी काम आपके पूर्ण हो जाएंगे। कोई खास काम आपके द्वारा संपन्न होने वाला है जिसके कारण आपको मान सम्मान यश प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी और उपाय के रूप में यदि सोप खाकर के घर से निकलते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की।
कारोबार में फायदा होने का योग है, उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा, सोचे हुए ज्यादातर काम आपके पूरे हो जाएंगे, कुछ लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आज आप निवेश के कुछ मामलों में गहराई से जाने का प्रयास करेंगे। वर्तमान नौकरी में प्रमोशन या परिवर्तन के योग बन रहे हैं। कोई नई नौकरी भी आपको मिलने वाली है जो आपके लिए फायदेकारक सिद्ध होगी। आपको अपनी बुद्धि से बिजनेस, नौकरी या प्रमोशन में फायदा मिलेगा। ईमानदारी रखें, किसी से सलाह लेंगे तभी समस्या आपकी सुलझ सकती है। साथ ही घरेलू परेशानियों से निपटने के लिए समय अच्छा है, दिन अच्छा है। आप कुछ मामलों में सफल हो जाएंगे। फालतू जोखिम लेने से आपको जो है बचना चाहिए। दूसरों में दोष ढूंढने से बचें। ऐसा करने से आपकी इमेज पर असर पड़ेगा। किसी व्यक्ति के कारण आपका व्यवहार अचानक बदला हुआ रहेगा। और उपाय के रूप में यदि आप दूध और पानी मिला करके शनि देव के मंदिर में चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। किसी पुराने काम का नतीजा आपके पक्ष में आएगा। नया काम शुरू करने का मन बना रहे हैं तो शुरू कर सकते हैं। ज्यादातर मामलों में नतीजे आपके पक्ष में रहेंगे। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। किसी भी काम को करने के पहले दोस्तों और अनुभवी लोगों की सलाह जरूर ले। कार्य क्षेत्र में बदलाव का योग बन रहा है। बिजनेस में कुछ नया करने का मन आपका बन सकता है और नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। और उपाय के रूप में तांबे के बर्तन से यदि शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। भाई या साथी की सफलता से आपको खुशियां मिलेगी। किस्मत का साथ मिलने से फायदा होगा। लोगों की नजरों में आपका मान सम्मान या आपकी इज्जत बढ़ने वाली है। नौकरी बदलने का विचार आपके दिमाग से निकाल देना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों को कुछ नए और बेहतर अवसर मिल सकते हैं। कामकाज ज्यादा रहेगा। कुछ ऐसे काम आपको हो सकते हैं जिनमें मेहनत कम और फायदा ज्यादा होगा। आपको जो भी करना है कुछ नए दोस्त उसके लिए मददगार साबित होंगे। यात्राएं फायदेमंद होगी। जीवन साथी की सेहत की कुछ चिंता हो सकती है। पुरानी टेंशन आपके दिमाग में चलती रहेगी। कुछ जरूरी काम आलस्य या लापरवाही के कारण अधूरे रह सकते हैं। कुछ मामलों में कंफ्यूजन की वजह से आपके काम उलझ भी सकते हैं। कुछ लोगों और उनकी बातों से आपका मूड खराब हो सकता है। और उपाय के रूप में तुलसी जी में पानी डालना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। करियर में कुछ नया या बिल्कुल ही विशेष जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। बचा हुआ काम निपटाने या टारगेट पर पूरा ध्यान आपको देना चाहिए। कुछ मामलों में सकारात्मक विचार आपको रखना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। और सोचे हुए कामों में प्लानिंग करके खुद जो है आगे बढ़ेंगे तो ही सफलता मिलेगी। किसी अन्य के भरोसे न रहे, अपना काम स्वयं करने का प्रयास करें। रुकावटों का सामना आपको करना पड़ सकता है। साथ ही दोस्तों और परिजनों से जुड़े कुछ मामले आपके उलझ सकते हैं। पुरानी चले आ रही रुकावटों के कारण परेशान भी हो सकते हैं। आपको भाइयों और दोस्तों से सहयोग नहीं मिलने के कारण आप परेशान भी हो सकते हैं। किए गए कामों का नतीजा आपके पक्ष में होगा। और उपाय के रूप में एक सफ़ेद फूल यदि आप शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। कामकाज में तेजी आएगी। अपना व्यवहार जितना लचीला रखेंगे उतने ही आप फायदे में रहेंगे। किसी मददगार व्यक्ति के माध्यम से आपके कुछ रुके हुए अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे। आपके मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे। पुरानी बातें याद करके आप खुश होंगे। जमीन जायदाद की बिक्री से फायदा होगा। आज आपको किस्मत का साथ मिलेगा। पैसों से जुड़े अधूरे काम पूरे होने का योग है। कोई गलती आपके द्वारा हो सकती है। लेन देन में सावधानी आपको बरतना चाहिए। और उपाय के रूप में शहद खाकर के घर से निकलना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। शत्रुओं पर विजय आपको प्राप्त हो जाएगी। कारोबार में फायदे की स्थिति बन सकती है। नए लोगों से मुलाकात होगी। लंबी योजनाओं के बजाय सिर्फ काम पर ध्यान दें। जीवन साथी और संतान आपके लिए मददगार साबित होगी। किसी महत्वपूर्ण मामले पर आप विचार विमर्श करेंगे, उसमें आगे बढ़ने के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। आसपास के कुछ लोग आपके लिए मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। पैसों की जरूरत आपको महसूस होगी। सामाजिक दायरे में आपको कुछ बदलाव करना पड़ेगा। आपके इरादे और सपनों में भी बदलाव करना पड़ सकता है। और उपाय के रूप में पानी में हल्दी मिलाकर यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आप नया रास्ता बनाने के लिए खुद ही कोशिश करेंगे। कोई अधूरा काम निपटाने में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों के माध्यम से आपको कुछ नई जानकारी मिलने वाली है।
महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरों की मदद करने से आपको संतुष्टि मिलेगी। रिश्तों के विवाद सुलझने के योग बन रहे हैं। कोई उच्चाधिकारी से आपकी मुलाकात हो सकती है। राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में आपको बड़ी जिम्मेदारी यानी पद प्रतिष्ठा मिलने का योग बन रहा है। और उपाय के रूप में कच्चे दूध में पानी और शक्कर मिला करके सूर्योदय के पहले यदि पीपल के पेड़ के नीचे आप चलाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आप कामकाज में जो है विशेष रूप से रुचि लेंगे और ऊर्जा भी आपकी बढ़ी हुई रहेगी। सोच विचार कर आपको आगे बढ़ना चाहिए। करियर में प्रगति मिलने का अवसर आपको मिलेगा। ऑफिस में आप तैयारी में लगे रहेंगे, कोशिश करेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही मिल जाएगा। घर परिवार के मामलों में आप वही करें जो आपका मन कहता है। और उपाय के रूप में हल्दी और चंदन दोनों का मिश्रित तिलक लगा करके यदि आप घर से निकलते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनके उपाय हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।